नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। चंदौली से संसद वाणी के संवाददाता ओपी श्रीवास्तव के साथ निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद चंदौली में विश्वकर्मा उत्थान मंच के तत्वाधान में आज मंच के अध्यक्ष श्यामलाल विश्वकर्मा फौजी के सानिध्य एवं जिलाध्यक्ष श्रीकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में दीपावली के दिन चंदौली में संचालित वृद्धाश्रम में परित्यक्त वृद्ध जनों के बीच मंच के पदाधिकारियों द्वारा मिष्ठान वितरण कर दीपावली की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष श्रीकांत विश्वकर्मा ने कहा कि घर में वृद्धजन पुराने पीपल और बरगद की पेड़ की तरह है, जो हमें छाया देते हैं, हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि समाज आज के इस आर्थिक अंधी दौर में अपने माता पिता घर के वृद्धजनों को भूलते चला जा रहा है। आज दीपावली के दिन विश्वकर्मा उत्थान मंच के हमारे गार्जियन आदरणीय अध्यक्ष जी के सौजन्य से और महिला सभा की जिला अध्यक्ष आदरणीय अनीता जी के सौजन्य से, हमारे जितने भी यहाँ साथी हैं, आप सभी के सहयोग से, सौजन्य से वृद्धाश्रम में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम आप हमेशा कराते हैं? हाँ, विगत कई सालों से जब से वृद्धाश्रम इस चंदौली जनपद में चल रहा है, लोग अपने घरों में प्रकाश के पर्व पे अपने घरों में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, दीपक जलाते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं। लेकिन जो परित्यक्त वृद्धजन हैं, जिनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं कभी आता है, इसलिए हम लोगों ने अपना मन बनाया और हर साल यही करते भी हैं। लोगों को संदेश देना चाहेंगे कुछ? संदेश यही कि जैसे अब ये राम का देश है और राम के देश में जहाँ पिता की बात मानने के लिए बेटा राजपाट छोड़ के जंगल की तरफ चल देता है, लेकिन आज के जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी हैं, अगर उनके माता पिता उनसे दूर हैं, वृद्धाश्रम में हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे और आपके लिए, सबके लिए विचार करने का विषय है। और ये ऐसा स्थिति न बने, हम अपने माता पिता को अपने परिवार में उनको संजो के रखें। वो पुराने पीपल के वृक्ष के तरह हैं, हमको छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देने का काम करते हैं।